स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पे। आज गुग्गा जार वीर जी की मंडली का तीसरा दिन है और हम अभी जा रहे हैं गुग्गा जार वीर जी के मंदिर के पास वाले गांव में, जिस गांव का नाम है डखरूं गांव में हम आज जा रहे हैं। तो अभी सुबह का टाइम हुआ है 9:30 और हम निकल चुके हैं मंदिर से। आरती हमने कर ली है और आरती के बाद हम अभी जा रहे हैं नज़दीक वाले गांव में। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। आज तीसरे दिन आपको ले चलते हैं गुग्गा जार वीर जी की मंडली के साथ। चलिए, जय गुग्गा जार वीर जी की, जय गुग्गा जार वीर जी की, जय गुग्गा जार वीर जी, जय। गाड़ गया तन्ने कुत्ते दी गाल फिर कंदे इबे तो भाई बैल भाई थे सारे इधर सब लोई के तो आप हिमाचल के ये खूबसूरत गांव देख सकते हैं। ऐसे गलियों से होते हुए आपको स्लेट वाले घर देखने को मिल जाएंगे हिमाचल में। आगे आगे चले हैं गुग्गा जार वीर जी का छत्र और उसके पीछे हम लोग चले हुए हैं गुग्गा जार वीर जी की मंडली। टाइम 11:30 बज चुके हैं और हम अभी हैं डखरूं गांव में, जो कि गुग्गा जार वीर जी के मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। ये है वो शिव मंदिर जो इस गांव में है और यहाँ पे भंडारे भी काफ़ी होते हैं। और चलिए अभी हम इसके अंदर चलते हैं।
जार वीर जी का, तो गुग्गा जार वीर जी की मंडली का आज तीसरा दिन है और हम अभी जा रहे हैं गुग्गा जार वीर जी के मंदिर के पास, जो गांव है लास्ट गांव आज के दिन का, क्योंकि सूरज ढलने वाला है। उसके बाद हम चले जाएंगे गुग्गा जार वीर जी के मंदिर। तो आज हम एक गांव में गए थे जहाँ पे एक घर में दो मंडलियाँ इकट्ठी हो गई थी, दोनों गुग्गा जार वीर जी की मंडलियाँ थी। और बहुत रेयर होता है कि दो मंडलियाँ एक साथ एक घर में इकट्ठी हों, मतलब सालों में भी नहीं होता ये बात। तो सच में आज वो भी देखने को मिला। और उसके बाद हम मंदिर चले जाएंगे, वहाँ पे आरती करेंगे, उसके बाद लंगर होगा और उसके बाद रसोई में साफ सफाई, देन जाके हम रेस्ट करेंगे। तो लंगर ग्रहण करने के बाद अब हम आए हैं रसोई घर में। रसोई घर में बर्तन है काफ़ी धोने के लिए और वो बर्तन अभी हम धो रहे हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी चरोटियाँ, इन चरोटी में धाम बनाई गई थी, दाल इसमें डाली गई थी, इस चरोटी में माँ की दाल, चने की दाल और खट्टा बनाया गया था आज। और आप ये देख सकते हैं ये करण जी लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं चरोटी धोने में, इन्होंने पूरी साफ कर दी है चरोटी, काफ़ी टाइम लगा दिए लेकिन लगे हुए हैं। अभी हम साफ़ सफाई कर लेते हैं, हमें अभी काफ़ी बर्तन धोने को हैं, उसके बाद रसोई में पानी भी मारना है, रसोई साफ़ भी करनी है, उसके बाद हमें ताले लगाने हैं रसोई में, फिर आपसे मिलता हूं मैं थोड़ी देर में। और जस्ट अभी फ्री हुए हैं, टाइम 10:30 के आसपास हो चुका है। तो आज मेरे ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय गुग्गा जार वीर जी ज़रूर लिखें। धन्यवाद, मिलते हैं आपके साथ अगले दिन यानी कि डे 5 मंडली वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, जय गुग्गा जार वीर जी।